السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جی آصف شيخ، صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جو چہرے کے اوپر جو بال آتے ہیں اس کو ہم کیا صاف کر سکتے ہیں جو اوپر آتے ہیں وہ؟ جی شیخ، بھائی کا سوال ہے کہ چہرے پر جو بال آتے ہیں، شاید وہ مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی کہ مردوں کے چہرے پر جو بال آتے ہیں کیا انہیں ہم ریموو کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں؟ तो एक तो दाढ़ी का बाल होता है, जाहिर है दाढ़ी की जगह मालूम है जो दोनों तरफ रुखसार पे होते हैं बाल, वो दाढ़ी के बाल होते हैं। तो दाढ़ी का बाल तो छोड़ना है, जो मूछ का बाल होता है उसको काटना है। अब अगर उसके अलावा मान लीजिए किसी की पेशानी पर या आंख के नीचे जहां पे बाल उमूमन दाढ़ी का नहीं होता है, वहां पे अगर कोई बाल उगता है इस तरह से कि वो भद्दा लग रहा है, तो उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हालत में है, जैसा कि बारीक बारीक जैसे रुएं होते हैं चेहरे पर, जो कि नॉर्मल होता है, वो कोई ऐब नहीं माना जाता है, अगर नॉर्मल बाल है तो उसको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नम्स से मना फरमाया। और नम्स की तफसीर बहुत सारे उलमा ने जहां पर भौं के बाल से किया है, वहीं पर चेहरे के बाल को भी उसमें दाखिल किया है। तो चेहरे पर अगर बारीक बारीक जैसे नाक के पास या आंख के नीचे, जो दाढ़ी का मसला है वो तो अलग मसला है, वो तो नहीं काट सकते, लेकिन दाढ़ी के अलावा जो चेहरे का हिस्सा होता है, अगर उस पे बारीक बारीक बाल है और वो नॉर्मल है जैसा कि होता है, तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा है, बदशक्ल लग रहा है, तो रिमूव कर सकते हैं।